तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है कुछ खास पिछले वीडियो में, कि हम खेत में किस तरीके से लिट्टी चोखा की पार्टी किए थे गांव में, कि आज हम बनाएंगे यहां पे बिरयानी यानी कि चिकन बिरयानी। ये देखिए मेरा जो भाई है, ये भी चूल्हा बनाने का कार्य इसने स्टार्ट कर दिया है। बारिश के टाइम वो पूरा एकदम भर जाता है एकदम। तो दोनों भाई मेरे प्याज भी काट रहे हैं, तो ऑलमोस्ट काट एक है। पुलाव हमारा हो चुका है बनके तैयार, अब प्याज फ्राई करने का कार्य स्टार्ट हो चुका है। बिरयानी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, टेस्टी बना है ना? हाँ। तो दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहां से जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों नमस्ते, कैसे हो यार आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो, जो कि मैं अपने गाँव आ रखा हूँ, तो गाँव आने के बाद यहाँ पे ना मेरा घर बन रहा था। तो घर बनने में यहाँ वैसे भी गाँव में पता 3-4 महीने तो लग ही जाता है आराम से, बल्कि कोई कोई उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो आज वो दिन आ चुका है जिस दिन का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, यानी कि हमारे जो घर का है आज छत डलने वाला है, जो RCC यहाँ पे छत डल रहा है। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो चुका है, वही 11-12 बजे समथिंग, और अभी बस अभी छत भी मेरे ख्याल से 10-20% अभी हुआ होगा डलना। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं ऐसे कोई भी वीडियो जब पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और हाँ दोस्तों, आप सभी से मैं ये कहना चाहता था कि ये जो गाँव का जो ब्लॉग है दोस्तों मेरा, ये लास्ट वीडियो आज का है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी मैं कुछ दिनों के अंदर ही मैं चला जाऊंगा दिल्ली। इतना दिन रुकने का कारण ये था दोस्तों गांव में, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका था, और फिलहाल जब मैं गांव आया, आने के बाद मेरा पैर हो गया था फ्रैक्चर, मैं गया था कानपुर, आते टाइम मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो वही है, किसी गलती दूसरों की है अब भुगतना आपको पड़ता है, बस यही सीन हुआ था। तो चलिए ऊपर चलते हैं छत पे और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ छत के ऊपर, और ये आपके सामने दिख रहा है पाइप, ये इलेक्ट्रिक पाइप है जो छत पे लेंटर जब पड़ता है तो उसके नीचे पहले जाली एक एक करके डालते हैं ना, तो वो रखा हुआ था। एक्चुअली हमने 2 बंडल मंगवाए थे, पहले तो हमने एक ही बंडल मंगवाया था, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन है उन्होंने बताया कि भैया ये तो पता है इसमें जब आप डालेंगे ये सरिया के नीचे, तो अगर पैर वैर पड़ेगा या उसके ऊपर अगर ट्रॉली आप चलाओगे तो फिर वो दब जाएगा, अब दबने से क्या होगा, फिर वो ख़राब हो सकता है, फिर बाद में फिर वायरिंग सही से नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने पूछा उनसे कि कौन सा लाए फिर आप बता दो, तो एक्चुअली हमारे इधर वाला जो छत है इस वाले में पहले जो पाइप पड़ा था, तो हमने उनको भी दिखाया कि ये वाला देखो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उन्होंने बोला हाँ ये चल जाएगा, आप ले आइए ये वाला। फिर हम वो लेके आए, लाने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें, अब देख रहे हो जाला उन्होंने बिछाया सारा एक एक करके, मॉर्निंग में ही उन्होंने बिछाया, बाकी अभी तो इसमें लेंटर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। छः बज चुका है अभी दोस्तों, अभी भी आधा लेंटर अभी पूरा भी पड़ा नहीं है अभी, और सूर्य देवता अभी बस डूबने ही वाले हैं। और यार गांव में ना थोड़ा सा काम क्या है ना, थोड़ा स्लो होता है यार। क्या हुआ है? अच्छा बन रहा है कि नहीं है? ये हाँ अभी पूरा होगा इधर से, हाँ देखना उधर से गिर मत जाना, इधर आओ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इधर आओ, ठीक है।
यार दोस्तों सच कहे ना तो आज यार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। वैसे तो रोज़ ही पड़ता है गर्मी, लेकिन आज के दिन कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अब क्या पता है, छत के ऊपर वैसे तो कभी इतने टाइम में छत पे होते नहीं है, नीचे ही होते हैं, लेकिन वैसे भी वाकई में गाँव में ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो दोस्तों पता है कि गाँव में ना इसलिए पता चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि गांव में एक्चुअली लाइट होते नहीं उतना प्रॉपर तरीके से, और हवा भी आज चल भी नहीं रहा। वैसे भी थोड़ा सा हवा चले तो राहत की सांसें ले सकते हैं इंसान। गांव में और शहर में वैसे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज़मीन आसमान फ़र्क है। शहरों में तो 2400 घंटे लाइट होते हैं, थोड़ा सा लाइट चला जाए कि बस चारों तरफ से हाहाकार मचने स्टार्ट होते हैं। लेकिन गाँव में कोई कुछ किसी चीज़ों से मतलब नहीं रखता है। लाइट आया तुम कब गया, ये सब किसी को कुछ खबर नहीं होता अपना, बस उन्हीं को खबर होता है जिनको थोड़ा नीड होता है इन सब चीज़ों की। तो अभी क्या है कि आज हमारे गांव में वैसे भी लाइट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है हमारा फूक चुका है गाँव का। अब यहाँ पे 2 दिन से लाइट नहीं है, आज आने वाला है, बता तो रहे थे कि शाम को लाइट आएंगे, अब देखो शाम तो शाम ही हो जाता है। गांव में दिन पता ही नहीं चलते, 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो अभी रात के भी बज रहा है 7:41 और लेंटर में थोड़ा सा भी देरी हो रहा है, क्योंकि क्या थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा स्लो आ रहा था तो भी थोड़ा बहुत, और इधर से भी ये जो एरिया पोर्शन है अभी ये बाकी है अभी। यहाँ से उस तक नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि उधर खाली है, तो थोड़ा सा भी फावड़े से यहाँ से धीरे धीरे डालना पड़ेगा। ए हटो यहाँ से, तुम उधर हटो, ए रास्ता खाली करो। मैं भी बोल देता हूँ, ऐसी बात नहीं। अरे ठीक है, आप अपने तरीके से डालिए, मैं इधर से खींच के उधर डालू, देखना उधर थोड़ा सा संभल के। बहुत मेहनत का काम होता है यार, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक तो वैसे भी रात हो गए, अभी टाइम हो रहा है देखो 8:14 और अभी भी थोड़ा बहुत अभी बचा है हमारे घर का छत डलने में। यहाँ से इतना आप देख रहे हैं, इतना भी बाकी है, इतना भी। आपको लगा था कि रात हो जाएगा? हाँ भैया, हमें कहाँ ला रहा हो, तो जानते हैं कि 2:30 बजे मिलेंगे। 2:30 बजे ना, वही तो सबको, किसी को नहीं पता था कि इतना रात हो जाएंगे। दुनिया बहुत तगड़ा है। अच्छा, गर्मी तो बहुत है यार, बहुत कम है। लेके आओ, दिखा रहे हैं। वो वाला ना, उधर वाला। हाँ उधर वाला तो आई थिंक नहीं डल पाएगा आज। गर्मी तो है भैया, बहुत है। अच्छा, हाँ 3 चक्कर बंद की। अच्छा, और आज तो एक बार भी नहीं बंद किया होगा शायद, हुआ था। कितना टाइम के लिए बंद हुआ था? 1 घंटा के लिए बंद है। 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा के लिए थोड़ा सा काम अभी बंद हुआ था आज, क्योंकि लंच का टाइम था इन लोगों का। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अभी छत जो पड़ना वो
हो चुका है अभी, अब दो चार बार और डालेंगे बस ख़त्म हो जाएंगे। इधर से डला हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ ये मेरा गांव का सबसे आखिरी ब्लॉग था, क्योंकि अभी क्या है, मैं कुछ दिनों बाद फिर मैं गांव से फिर आने वाला हूँ दिल्ली, और इसके बाद आपको जो ब्लॉगिंग आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको घूमने पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो मेन जो वह है घूमने वाला ही है दोस्तों। ठीक, तो ये मैं गांव में आया था इसीलिए मैं सोचा चलो आप लोगों को दिखाया था गांव में भी किस तरीके से रहन सहन करते हैं और क्या क्या परिस्थिति है गांव में। तो हमारा जो घर का जो छत है वो ऑलमोस्ट अभी डल चुका है, और अभी रात के हो रहे भाई, हो रहा है अभी 10 बज चुका है और काम अभी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, दीजिए इसी के साथ साथ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।